नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार के साथ। आज की पहली खबर, आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैविक संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी शेयर की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 2 दिन पहले एक बयान जारी कर बताया गया था कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है। इसके साथ ही भूख, अल्पपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के संकल्प को मजबूत करने में योगदान देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि लाल बत्ती होने पर अपने वाहन बंद रखकर प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें, इससे आपके ईंधन की भी बचत होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक साल में एक व्यक्ति को करीब 7,000 रुपये की बचत होगी। सीएम ने कहा कि ऑफिस आने जाने में एक गाड़ी लाल बत्ती पर रोज औसतन 15 से 20 मिनट रुकती है और करीब 200 मिलीलीटर तेल की खपत होती है। यदि गाड़ी बंद रखी जाए तो साल में करीब 7,000 रुपये की बचत हो सकती है। आज की तीसरी राष्ट्रीय खबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित दिग्गजों ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, NSG की स्थापना दिवस पर मैं सभी बल कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा प्रणाली में NSG का महत्वपूर्ण योगदान है और भारत को सुरक्षित रखने में NSG के प्रयासों पर देशवासियों को गर्व है। आज की चौथी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन सीमा गतिरोध को हल करने के लिए वार्ता कर रहे हैं और यह दोनों देशों के बीच की गोपनीय बात है। एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान चीन के साथ चल रही वार्ता के नतीजे के बारे में विशेष तौर पर पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा, चर्चा चल रही है और यह कार्य प्रगति पर है। जब ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में उनसे सीमा की स्पष्ट स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वार्ता चल रही है और यह दोनों देशों के बीच की गोपनीय बात है। उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से इसके लिए पहले से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता हूँ। अब रुक करते हैं आज की मुख्य राष्ट्रीय खबर की ओर। देश में पहली बार घरेलू कामगारों की मिनी गणना शुरू होने जा रही है। सरकार घरेलू कामगारों का डाटा बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों एवं प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो ने श्रम सर्वे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 2 अर्थशास्त्री SP मुखर्जी एवं अमिताभ कुंडू की एक कमेटी बनाई है जो सर्वे का प्रारूप तय करेगी। श्रम मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगले साल जनवरी से घरेलू कामगारों की मिनी गणना का काम हर हाल में शुरू हो जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक घरेलू कामगारों का कोई आंकड़ा नहीं है। मंत्रालय इस सर्वे या मिनी गणना के जरिए घरेलू कामगारों के वास्तविक आंकड़ों तक पहुंचना चाहती है ताकि उनके हक में नीति बनाई जा सके। यह सर्वे घरों में जाकर किया जाएगा, लेकिन घरों में सफाई व खाना बनाने वाले कामगारों के साथ और किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, इसका निर्धारण कमेटी करेगी। 21 अक्टूबर को इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। आज खबरों के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।